मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसे रोकने के लिए प्रति रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई शहरों में लॉकडाउन भी लगा दिया है। इस लॉकडाउन का असर भोपाल में भी देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते भोपाल की सड़कों पर रविवार को सन्नाटा पसरा रहा। जगह जगह पुलिस बैरिकेटिंग कर बेवजह घूमने वालों को रोककर पूछताछ भी करती मिली। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी शहर में घूमकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि त्योहारों व परंपरा के निर्वहन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। इसके साथ ही हमें यह समझना होगा कि कोरोना सभी के लिए खतरा है, इसीलिए जरूरी है कि परिवार के साथ ही परंपरा का निर्वहन करें। देखिए, गाइडलाइंस भी पूरी तरह से स्पष्ट हैं और सभी लोगों से भी यही अपील है कि त्योहारों के और परंपराओं के निर्वहन पे किसी प्रकार की रोक नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी परंपराओं का निर्वहन कर सकें, उसके लिए अनुमति जारी की जा सकती है, की गई है। लेकिन इसके साथ ही हम सबको ये समझना पड़ेगा कि कोरोना का खतरा हम सबके लिए, हमारे सबके परिवार के लिए है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग अपनी परंपराओं का निर्वहन, अपने त्योहारों का मनाना ज्यादा से ज्यादा घरों पे ही करें, केवल अपने परिवार के साथ करें। अन्य लोगों से मिलना जुलना और हाथ मिलाना, रंग लगाना जितना ज्यादा संभव हो उतना ज्यादा अवॉइड करें, जिससे कि हमें संक्रमण को आगे बढ़ने से, तेजी से पैर पसारने से रोक। इधर कलेक्टर लवानिया ने कहा कि भोपाल में कई स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। आगे भी जिस क्षेत्र में कोरोना के केस ज्यादा आएंगे, वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। निश्चित ही जहां जहां कोरोना के केसेस भारी मात्रा में निकल के आ रहे हैं शहर में, वहां कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। आगे भी जिस क्षेत्र में बहुत ज्यादा केसेस निकल के आएंगे, उस क्षेत्र में सख्ती के साथ कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, क्योंकि ये अनिवार्य भी है, आवश्यक भी है, और बिना ऐसा किए हम लोग कोरोना की गति को नहीं रोक पाएंगे। डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि हर जगह बैरिकेटिंग की जा चुकी है, लगातार लोगों को गाइडलाइन की जानकारी दी जा रही है। सांकेतिक रूप से होलिका दहन व शबे बारात के लिए व्यवस्था की गई है। इस बार पुलिस होली भी नहीं मनाई जाएगी। लॉकडाउन की व्यवस्था लग गई है, हर जगह जो है बैरिकेडिंग्स है, हम लोगों की अनाउंसमेंट्स के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से, और पीए सिस्टम जो गाड़ियों में फिट किए हैं उसके माध्यम से लगातार जो है गाइडलाइंस का हम लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं लोगों से, जो उनको लगातार टोका टोकी भी कर रहे हैं, लगातार गाइड कर रहे हैं, लगातार अलर्ट कर रहे हैं। यही प्रोसेस आज भी चालू रहेगा। सांकेतिक रूप से जो व्यवस्था है उसको भी सुचारू रूप से करवा लेंगे कि जो जितनी होलिका दहन के स्थान है वहाँ पे जो है वॉलंटियर जो वहाँ के लोग हैं वो आकर के का ध्यान कर लें सांकेतिक रूप से। और इसी तरह की व्यवस्था शबे बारात के लिए भी की गई है। किसी को अगर किसी तरह की असुविधा आएगी तो हमारे गाड़ियां, हमारे नंबर्स उपलब्ध हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि सांकेतिक रूप से परंपराओं का निर्वहन भी हो जाए और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन भी हो जाए। नहीं, व्यवस्थाओं में सब लोग साथ रहेंगे, क्योंकि अभी जो है एक ऐसा इमरजेंसी का टाइम है कि सब लोगों को जो है अपने अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को भूल करके जनता के काम के लिए और जनता के बीच में जो है पूरे समय मौजूद रहना पड़ेगा। इसी कारणवश जो है हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि हमारे बीच में जो लोग भी हैं हम कोरोना के संक्रमण को के लिए जो पूरे समय से ड्यूटी करते रहें और किसी तरह से थानक परिसर में लाइंस में इस तरह से कोई भी त्योहार नहीं मनाएंगे। देखा जाए तो भोपाल में लॉकडाउन के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, वहीं पुलिस व अधिकारी मुस्तैद नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।